हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग RX 135 में ये किल स्विच लगाने वाले हैं। तो ये जो किल स्विच है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है RX 100 और RX 135 का। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, थोड़ा सा कुछ अलग है। जो हम लोग नॉर्मल जो अपने एक्टिवा में और शाइन में जो किया था बाटला कॉइल का वायर कट करके, वैसा नहीं है। इसका थोड़ा सा अलग है, ये CDI से काम करता है और इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर जो एक्टिवा में जो किया था और जो शाइन में किया था, अगर वैसा करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लेकिन वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इसके लिए ऑलरेडी ऐसा ये किल स्विच एक आती है। तो ये मिंडा कंपनी का है, ये देखिए, ये इसका बॉक्स है, ये यूनो मिंडा का है। तो ये इसका मॉडल नंबर SW0720, ये मॉडल नंबर हो गया। और ये इसकी प्राइस है 207 की MRP है। ये मैन्युफैक्चरिंग है November 2020 का, मतलब नया वाला है ये। और इसमें आपको ये सिंगल वायर मिलता है। तो इसका वर्किंग का प्रिंसिपल कैसा है ना, कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, एक कॉपर की प्लेट है यहाँ पे, ये देखिए, ये कॉपर की प्लेट है। तो जब भी आप जो है ना, इसको जब भी आप ऑफ़ करते हैं ना, तो ये ग्राउंड हो जाता है। ये जो वायर जहाँ पे भी कनेक्ट होगा ना, CDI के जो कनेक्शन पे ये इसको टच होगा ना, तो ये डायरेक्ट जो है ना, यहाँ से फिर बॉडी अर्थिंग हो जाता है। बॉडी अर्थिंग यानी वो बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाता है। तो जब बैटरी के नेगेटिव पे जब उसको बॉडी अर्थिंग हो जाती है ना, तो इंजन ऑफ हो जाता है। तो ये ऐसे ही सेम प्रिंसिपल काम करता है। मैंने ये एक बार मैंने एक्टिवा में ट्राई किया था, लेकिन उसका मतलब बदनसीबी से, भाई नसीब अपना ख़राब था वो टाइम पर, CDI पूरा ख़राब हो गया था। इसके बाद में बाटला कॉइल पे किया था, लेकिन यहाँ पे इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी वैसा किया हुआ है। तो ये जो वायर है ना, मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ पे कनेक्ट करने का है। ये कनेक्ट करने का, फिर जैसा आप जो इसको अगर जैसे आपने इसको ऑफ़ किया ना, तो सीधा बॉडी ग्राउंड हो जाता है और फिर बाद में अपना जो इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। तो बार बार चाबी ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चलिए इसको अभी पहले इंस्टॉल करते हैं। बहुत ईजी है ये तो करने के लिए, इसमें सिंपल है। और ये जो कॉपर का जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये आप देखेंगे ना इधर अंदर, ये जो कॉपर का पार्ट है ना, ये हैंडल पे टच होगा। अभी जैसे जो मैंने जो हैंडल है वो आफ्टर मार्केट वाला दूसरा हैंडल मैंने लगाया था, जो इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग है, तो उसको थोड़ा सा कोटिंग जो है ना, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ताकि क्या है ना, ये टच हो जाए, वरना क्या वो ब्लैक कोटिंग जो है ना वो टच होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को स्क्रैच करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा, क्या ये मतलब टच हो जाना चाहिए उस पर हैंडल पे। बाकी किसका क्रोम हैंडल होगा उसका कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट उसका बॉडी ग्राउंड फटाफट से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फटाफट इसको पहले लगा देते हैं। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम है कि ये किल स्विच में नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो एक्सलेटर केबल जो है ना, वो इसमें से मेरा नहीं जा रहा है। जैसे कि इसका जो होल है ना, ये काफ़ी बड़ा होल है ये वाला, और ये देखिए होल काफ़ी छोटा है। तो मैं आपको उसका केबल दिखाता हूँ, तो केबल की वजह से एक्चुअली वो नहीं जा पा रहा। ये देखें, ये रबर है, ये रबर उसमें से नहीं जा रहा, इसलिए ये नहीं अटैच हो रहा है। तो अभी हम जो है एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये एक स्विच ले लिया, ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये वाला लेंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो इसमें कैसा था कि यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाता था, देखिए ये कॉपर की पट्टी जो है ना, ये अपने हैंडल पे टच हो जाती थी, और यहाँ से जो CDI वाला जो वायर होता था ना, वो डायरेक्ट अर्थिंग हो जाता था, तो इसलिए इंजन ऑफ हो जाती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये दो वायर है ना, एक हम लोग कहीं पे नेगेटिव पे हम लोग इसको टच कर देंगे, और दूसरा वायर जो है ना, ये जहाँ पे लगता है इसको वहीं पे हम लोग लगा देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये वायर कहाँ पे लगता है। ये देख लीजिए, ये ब्लैक का विद वाइट स्ट्रिप है, ये जहाँ पे टच होता है ना, वहीं इसमें से एक वायर हम लोग वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक वायर जो है ना, दोनों में से कोई भी एक वायर नेगेटिव पे जाएगा, और जो दूसरा वायर ना, ये जहाँ पे लगेगा वहीं पे ये इसको लग जाएगा। तो अभी हम लोग है ना, ये वाला सिंपल वाला ऑन ऑफ स्विच लगा देते, तो ये अपना काम बन जाएगा इसमें फिर। तो अभी ये स्विच लगा दिया है, ये देखिए ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वो केबल की वजह से फिट नहीं हो रहा था उसका किल स्विच। तो अभी अपन ने ये सिंपल वाला ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, ठीक है। तो आप कोई भी वाला ऑन ऑफ स्विच आप लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। फोकसिंग करना भाई, हाँ ठीक है। तो ये ऑन ऑफ स्विच लगाया, तो इसके दो वायर होते हैं इसके, तो इसमें दो वायर जो होता है ना, एक वायर जाएगा नेगेटिव पे डाल दिया मैंने, तो ये देखिए नेगेटिव, एक वायर आपका कोई भी एक वायर जो है ना बॉडी अर्थिंग हो जाएगा, मतलब इसके गाड़ी का कोई जो भी नेगेटिव वायर होता है ना, जो नॉर्मल ब्लैक होता है यामाहा में, तो उस पर आपको एक वायर उसमें डाल देना है, दोनों में से कोई भी एक वायर। और दूसरा वायर जो है ना यहाँ पे लगाने का, आपको एक ये वायर होगा ब्लैक विद वाइट स्ट्रिप होगा, जो CDI से आता है, यहाँ पे लगाने का। तो इससे क्या होगा, जब भी आप ऑन करेंगे ना, तो इसको बॉडी ग्राउंड हो जाएगा CDI, और इंजन आपका ऑफ हो जाएगा, और तो इंजन चालू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी ये एक्चुअली ये ऑफ पोजिशन पर है,
ये ऑन हो गया, ये ओ पे ऑन है, इसका थोड़ा सा उल्टा है ये स्विच का। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ऑफ हो गया, अभी किक मारूंगा तभी स्टार्ट नहीं होगी, नहीं होगा। इसको ऑन करता हूँ। तो वो जो किल स्विच जो था ना, रेडीमेड किल स्विच जो था ना, उसमें एक ही वायर होता है, वो एक ही वायर आपको यहाँ पे लगाने का है। उसको बॉडी ग्राउंड जो है ना, स्विच का जो हैंडल होता है वहाँ से उसको बॉडी ग्राउंड उसको मिल जाता है, तो इसलिए। लेकिन ये स्विच में बॉडी ग्राउंड होता नहीं है, दो वायर होता है, इसलिए एक लाइन मैंने यहाँ पे अर्थिंग में डाल दिया और एक लाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो प्लस ये सिंपल सा डायग्राम है, वायरिंग है इसके लिए, अपना RS 100 और RS 135 के लिए। बाकी ये चीज़ आप एक्टिवा में, शाइन में, दूसरी गाड़ी में मत करना, क्योंकि उसका CDI अलग होता है और इसका CDI अलग होता है। तो उसका CDI बाद में ख़राब हो जाएगा, एक्टिवा का, शाइन का, या किसी भी दूसरे बाइक में करेंगे वो CDI ख़राब हो जाएगा। तो उसमें बाटला कॉइल वाला जो तरीका होता है वही ट्राई करने का, ठीक है? बाकी कोई दूसरा तरीका ट्राई मत करना। अभी ये फंक्शन काम हो गया, ईजी है, ये सबसे ईजी मेथड है ये, ठीक है? तो बाकी अगर कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर देना।